शिवसेना द्वारा राज्यपाल के नाम विभिन्न मांगों को लेकर के बाइक रैली निकालकर धरना स्थल पर बैठे पटवारियों का समर्थन करते हुए तहसील कार्यालय गरोट में दिया ज्ञापन। मंदसौर जिले के गरोट नगर में दोपहर 1 बजे शिवसेना द्वारा बाइक रैली निकाली गई और महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा गया। ज्ञापन के बाद धरने पर बैठे पटवारियों का प्रदेश अध्यक्ष सुनील शर्मा द्वारा समर्थन किया गया और कुछ समय धरना स्थल पर बैठे। ज्ञापन में शिवसेना द्वारा मांग रखी गई कि जिस तरह पूर्व में बिना सर्वे किसानों को मुआवजा दिया गया था, इस बार भी बिना सर्वे। आज मध्य प्रदेश शिवसेना द्वारा एक किसानों की समस्या, जो कि पहले बारिश नहीं हुई फसल बर्बाद हो गई, फिर कुछ बची कुछ फसल थी तो बारिश हो गई उस कारण बर्बाद हो गई, तो उसको लेकर के किसानों को मुआवजा दिया जाए, ऐसी कई समस्या हमने ली है। साथ ही हमारे सीधी के जो जिला प्रमुख है उनको जिला बदर कर दिया गया राजनीति हस्तक्षेप से। वहाँ के बीजेपी और बीजेपी के सांसद और बीजेपी के विधायक के खिलाफ उन लोगों ने जन समस्याओं को लेकर के उनका घेराव किया था, उससे जो आहत होकर के वहाँ के जो सांसद और विधायक है उनने शासन पर दबाव बनाया और हमारे जिला प्रमुख को वहाँ से जिला बदर कर दिया है, उसको लेकर के एक ज्ञापन वो भी था। उस आज पूरे मध्य प्रदेश के अंदर शिवसेना मध्य प्रदेश के आह्वान पर प्रदेश स्तर पर हर जिला मुख्यालय पर आज ज्ञापन दिया गया। सीधी जिला प्रमुख जो हमारे विवेक पांडे हैं उनको शीघ्र जो उनकी जिला प्रमुख की जो निरस्त की जाए, जिला ब्रदरी निरस्त करके उनको बहाल किया जाए। इन मांगों को लेकर ज्ञापन के माध्यम से जो मांगे आपने मांगी, अगर वो पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे आप? शिवसेना वही आंदोलन करेगी अगर पूरी मांगे नहीं हुई तो। पूरे अभी हमने तो शिवसेना का सीधा सीधा कहना है कि पहले आवेदन, फिर निवेदन, फिर कोई नहीं माने तो दे धनाधन, फिर लाइन ऑर्डर की स्थिति मध्य प्रदेश में बिगड़ेगी, उसके लिए शासन जिम्मेदार होगा। लिखित में विधानसभा चुनाव भी आ रहे हैं, गरोट से कोई प्रत्याशी? जी हाँ, यहाँ से भी चुनाव लड़ेगी मध्य प्रदेश में। जहाँ भी हमारी स्थिति स्ट्रांग है और जहाँ भी तीसरी शक्ति की तलाश मध्य प्रदेश की जनता कर रही है, वहाँ से शिवसेना चुनाव मैदान में उद्धव बाला साहब ठाकरे के आशीर्वाद से चुनाव मैदान में रहेगी और राष्ट्रीय नेतृत्व यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर इस बार आएगा दौरा करने के लिए। मेरा नाम सुनील शर्मा है, मैं शिवसेना का राज्य का प्रमुख हूँ। मेरे साथ आईटी सेल के राज्य प्रमुख भाई लाल सिंह जी गोड़े, यहाँ के जिला प्रमुख भाई लाल सिंह जी सिसोदिया है, तमाम मेरे पदाधिकारी शिवसैनिक भाई। समान रूप से सभी को मुआवजा दिया जाए क्योंकि प्रदेश के किसान परेशान और बेहाल हैं, कर्ज में दबे हुए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री महिलाओं को लाडली बहना योजना के तहत सस्ता गैस देने की योजना लागू की गई। भाई व मामा का रिश्ता कर वोट मांगने का जो सिलसिला चलाया है वह पूर्णतः गलत है। जिन बहनों के पति के नाम से गैस कनेक्शन है उन्हें क्यों शामिल नहीं किया गया? सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाए। वहीं शासन द्वारा लाखों रुपए की गौशालाओं का निर्माण तो करवा दिया है, परंतु आज भी गौ माताएँ इधर उधर भूखी प्यासी घूमती हुई दिखाई दे रही है। गौशालाएँ केवल नाम मात्र की गौशालाओं को उत्तर प्रदेश की तर्ज पर प्रत्येक गोपालक को 1,000 रुपये मासिक प्रतिमा गाय के मान से दिए जाएं, जिससे लावारिस गायों की दशा सुधर जाए। गरोट को अविलंब जिला बनाया जाए क्योंकि गरोट जाने के लिए मंदसौर जाने के लिए कम से कम 165 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ती है तथा बस किराए भी महंगा होने के कारण आम जन को बहुत असुविधाएँ होती हैं। यहाँ पर सब्जी मंडी भी बनकर के तैयार है, लेकिन आज भी सब्जी मंडी पुरानी जगह पर लगी हुई है। इस सब्जी मंडी को नई सब्जी मंडी में स्थानांतरित किया जाकर के शेष बची दुकानों की जरूरतमंद व्यक्तियों को आवंटित की जाए। वहीं ऐसे कई गरीब लोग हैं जो वास्तविक गरीब होने के बावजूद भी आवास योजना से वंचित हैं। ऐसे सभी पात्र लोगों को शीघ्र सर्वे कराकर उन्हें आवास का लाभ प्रशासन द्वारा दिलाया जाए। यदि जनहित में हमारी उक्त मांगों को शीघ्र निराकरण नहीं किया गया तो हमें उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जिसकी समस्त जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। इस अवसर पर शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष सुनील शर्मा, आरटीसीएल राज्य प्रमुख नाहर सिंह गोड़, जिला अध्यक्ष लाल सिंह सिसोदिया, जिला उपाध्यक्ष नाहर सिंह राठौर, जिला संपर्क प्रमुख केशुराम बैरागी, शामगढ़ तहसील अध्यक्ष जयकेंद्र चौहान, तहसील प्रभारी तूफान सिंह राठौर, गरोट तहसील प्रमुख श्याम चौधरी, भानपुरा तहसील प्रभारी कृष्ण कछावा, गरोट तहसील उपाध्यक्ष जगदीश सोलंकी आदि सैकड़ों कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। शामगढ़ संवाददाता संजय चौहान की रिपोर्ट।